Hey guys, welcome back to Arbihu. So friends, आज मैं आप लोगों के लाई हूँ एक न्यू एंड एक धमाकेदार वीडियो जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो से जिसका नाम है हाउ टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. सो चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं ना कि डिफिकल्ट तरीके से. सो डोंट स्टडी हार्ड, इसका मतलब ये है कि आपको डिफिकल्ट तरीके से स्टडी करना है? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में लर्न करना है, एक तरीके से लर्न करना है जिससे आपको ईजिली लर्न हो एंड आपको हर चीज़ समझ में आए, आपको बहुत डिफिकल्ट ना लगे. वरना आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा चैप्टर हम इतने से टाइम में कैसे कंप्लीट करेंगे. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ स्टडी स्मार्ट में. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई 10 आवर्स के लिए एंड फिर भी आप वन चैप्टर, एक चैप्टर को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से मतलब स्मार्टली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं. तो आप कैसे स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं, इसको जानने के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ. स्टडी स्मार्ट, वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक वे, इट विल मेक यू लर्न वन चैप्टर इन हाफ एन आवर. अब आपको मैंने भी बोला कि 10 घंटे में भी आप एक चैप्टर नहीं कर पा रहे. सोचिए अगर आप उस 10 घंटे को एक आवर या फिर हाफ एन आवर में कर दें तो फिर आप क्या मतलब आपको इतना इजी लगेगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे पे प्रेशर है, मुझे जल्दी जल्दी याद करना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एंड आपको एक सिस्टमैटिक वे में भी लर्न हो जाएगा. सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वे का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक को एक वन आवर या फिर हाफ एन आवर का टाइम दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक चैप्टर बहुत बड़ा है तो आप उसे 2 आवर्स दे दीजिए. अब आप पहले तो डिवाइड करिए अपने टाइम को. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रीशियस वाटर, तो वाटर इज़ अ प्रीशियस सोर्स, ठीक है? तो मैंने NCERT का एग्जाम्पल लिए, कोई भी चैप्टर हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टॉपिक जो उसके अंदर आया मेरे पास वो है कि वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट. उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े बड़े हैं, तो उसको आप दे दीजिए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, इतनी देर में हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ वाटर, जिसके अंदर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है. तो ये सब पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको रीड भी करने हैं, याद भी करने हैं, समझने भी हैं. तो इसके लिए आप दे दीजिए हाफ एन आवर. इतना टाइम नहीं लगेगा, बस हाफ एन आवर लगेगा. तो आपका 1 आवर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? कितना टाइम कंप्लीट हुआ? ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब 10 मिनट्स कम है 1 आवर से. तो अब नेक्स्ट आपको करने हैं नेक्स्ट आपको करना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रिप इरिगेशन एंड एक्वीफायर और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है. ये सब करने में आपको लग जाएंगे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स. तो अब आपके पास हो गया 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है? तो अब आपको देखना है कि अब आपके पास क्वेश्चन आंसर भी बचे हैं. ये सब कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हैं, कीवर्ड्स भी हैं. इसको करने में आपको लगेगा 1 आवर. तो आपके कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स हो गए कंप्लीट. बस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है जो कि आपके रिविजन के लिए. तो इसके हिसाब से अपना टाइम एक ऑर्डर में रखिए जिससे आप लोगों को इजी हो याद करने में. इसे बोलते हैं स्टडी स्मार्ट. आप एक स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं. जैसे आपको पता है अभी चल रहा है ऑनलाइन ज़माना, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. आपने जैसे देखा कि अभी कोरोना टाइम्स में कैसे आप लोगों ने पढ़ाई करी, वो भी फ़ोन पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, इन चीज़ों पे. एंड इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, हमें इस लॉकडाउन में पता चला है. वरना इससे पहले तो हमें कभी पता ही नहीं था कि हमारे पास जूम भी है, हमारे पास गूगल मीट भी है. बट हम बहुत ही कम टाइम्स यूज़ करते होंगे, जैसे डू यू को यूज़ करते होंगे या फिर कभी कभी गूगल मीट को यूज़ करते होंगे. बट जूम के बारे में हमें पता ही नहीं था, टीम्स के बारे में हमें पता ही नहीं था. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको कैसे लॉकडाउन में आपको पढ़ाई से आपको बांध के रखा है इस ऑनलाइन रिसोर्सेज ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने. बिकॉज अगर आप सोचिए, आप ऑनलाइन को ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं कि आप फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं टीचर्स को. बहुत बच्चे गेम्स पीरियड्स में
अपनी वीडियो ऑफ करके बैठ रहे हैं, या तो मैम को बोल रहे हैं मैम नेटवर्क इशू है इसलिए मैम हम अपना टेस्ट नहीं दे पाएंगे, एंड चीटिंग करके फिर टेस्ट के आंसर्स लिख रहे हैं। ओके, तो मैं ये कह रही थी, तो जैसे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट एक बार ही सोच के देखिए, अगर ये रिसोर्सेज, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं बनते तो आप लॉकडाउन में क्या करते, कैसे पढ़ते? जस्ट थिंक अबाउट इट, फोर्थ में अगर मैं हूँ एंड फोर्थ से मैं सीधा सेवन्थ में आई हूँ, वो भी 2 ईयर्स के गैप के अंदर, जिसके अंदर मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है, फिफ्थ सिक्स इन दोनों क्लासेस को मैंने अपने ऑनलाइन में पढ़ा है। तो सोचिए एक बारी, अगर ये ऑनलाइन क्लासेस ना होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, देन क्या होता? तो आपके 2 ईयर्स ऐसे ही गुजर जाते। और अभी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो पढ़ाई करी है, जिन लोगों ने एक्चुअल में पढ़ाई करी है वो तो 4th, 5th, 6th, 7th में आए हैं धीरे धीरे, बट जिन लोगों ने चीटिंग करी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनको मैं एक बात बता दूंगी, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग 4th से सीधा ना 7th में आए हैं, मैं बता रही हूँ, या तो अगर आप 5th में थे तो आप 5th से सीधा 8th में आए हैं, 6th और 7th आपने पढ़ी ही नहीं है। एक बार मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि मेरी मैम ने बताया था, ये बहुत ही एकदम परफेक्ट एग्जांपल है जो बच्चे चीटिंग करते हैं उनका। सोच के देखिए, अगर अभी आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं इस क्लास में, जिस भी आप क्लास में हैं, अगर आप सेल के बारे में फॉर एग्जांपल 7th में पढ़ रहे हैं, या तो अगर आप सेल के बारे में 6th में पढ़ रहे हैं, एंड अब आप आने वाले हैं 9th में आफ्टर 2 ईयर्स ऑनलाइन क्लासेस के बाद, तो सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो 9th में और ज़्यादा बढ़ गई है। DNA बता रहे हैं उसके अंदर जितने भी होते हैं, एंड उसके अंदर जितनी भी और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स सेल से बनते हैं, उसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये सब जो चीज़ें बताई जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगी। जिन बच्चों ने सेल के बारे में एक्चुअल पढ़ा है और वो 9th में आ रहे हैं और उन्होंने अपनी 8th करी है, 7th करी है, दोनों करी है, ढंग से करी है एंड पढ़ा है, तो उन्होंने छोटे से बड़ा 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 करते गए, इट वाज इजी फॉर देम, क्योंकि उन्हें पता है सेल क्या है एंड सेल के अंदर क्या है, अब वो सीख रहे हैं। बट जिन लोगों ने चीटिंग करी है एग्जाम्स में और कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नोट्स नहीं बनाए, कुछ कॉपी में काम नहीं कम्प्लीट किया, आई नो बहुत बच्चों ने काम नहीं कम्प्लीट किया है, ना तो सेंड किया है असाइनमेंट्स पे, उन लोगों का क्या? उन्होंने तो सिर्फ 6th में सेल के बारे में पढ़ा और उसके बाद 7th, 8th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं सेल के बारे में, कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से बनता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ये सब ही नहीं पढ़ा तो फिर अगर वो 9th में आएंगे, सेल के अंदर क्या होता है, तो सीधा छोटे से बड़े पे चले जाएंगे ना, वो छोटा छोटा बड़ा 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 करते करते तो रहेंगे नहीं, सीधा छोटे से बड़े पे चले जाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल है डोंट स्टडी हार्ड का, ये होता है हार्ड स्टडी, जब आप फोकस नहीं करते अपनी चीज़ों पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं वेज ऑफ लर्निंग पे। वेज ऑफ लर्निंग आपको पता है, बहुत लोग अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाई करते हैं, जैसे बोल के याद करते हैं, लिख के याद करते हैं बार बार, और या तो प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं जिनसे उन्हें याद हो जाती हैं। अब चलिए इनके बारे में सीखते हैं। वेज ऑफ लर्निंग, फर्स्ट है लर्निंग। लर्न अगर आप कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को, एक टॉपिक को 2 times एट लीस्ट रिपीट कीजिए, एंड लर्निंग के लिए 1 topic में एक्चुअली 2 या 3 topics के लिए 1 hour लीजिए एटलीस्ट, एंड उनको बार 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 लर्न कीजिए। प्रैक्टिकल वे जो होता है, फॉर एग्जांपल जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो हमें चीज़ों को याद करने में हेल्प करता है, जिससे हमें चीज़ें याद रहती हैं एंड हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीखने के लिए आपको लग जाएगा थोड़ा टाइम, एंड कंप्यूटर में अगर आप सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ CPU और व्हाट इज़ RAM, तो अभी आप छोटी क्लास में, आई नो जो ये RAM वैम सीख रहे हैं वो सब छोटी क्लास में, बट RAM के अंदर का जो सीख रहा है वो बड़ी क्लासेस में, तो वो लोग जो सीख रहे हैं प्रैक्टिकली, वो अगर प्रैक्टिकली सीखा जाएगा देन ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, वो आपको ईजिली समझ में आएगा कि क्या है उसके अंदर, कैसे होता है, वरना सीधा बुक से देखेंगे कि विंडो खुली है, अच्छा इसके अंदर ये सब लिखा है, अच्छा ऐसे होता है, कंप्यूटर पे करेंगे, खुद से करेंगे देन इट विल बी ईजी। राइटिंग, बहुत लोग लिख लिख के, बार बार लिख लिख के याद करते हैं,
वो चीज़ जो नोटबुक में लिखी है क्वेश्चन आंसर्स, उन्हें कॉपी करते हैं जिससे उन्हें याद हो जाता है, स्पेलिंग्स भी याद हो जाती है इसके साथ साथ। चलिए मूव ऑन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो हम हमेशा करते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग सी वीडियो में भी बताऊंगी, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, बट अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है हम क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं करते। इसका आंसर ये है कि रीड द क्वेश्चन टू टाइम्स। देन हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है पे स्पेशल अटेंशन टू वर्ड्स लाइक हु, When, where and not। आपको एक ध्यान देना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है। अगर उस क्वेश्चन में who लिखा है तो मतलब कौन था वो, तो उसका आंसर दीजिए कि वो कौन था। कहाँ तो कहाँ का आंसर दीजिए, नहीं लिखा है तो नहीं लिखिए। फॉर बहुत सारे बच्चे एक्चुअल ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बजाय वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट है डोंट स्किप क्वेश्चंस। क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। नेगेटिव मार्किंग लगती है, बड़ी क्लास में स्पेशली नेगेटिव मार्किंग लगती है। आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सोचो, टाइम लगाओ, फिर भी नहीं आ रहा, कुछ तो लिखो, थोड़ा सा भी आइडिया होगा उसके बारे में तो लिख दो। वेयर डिड राहुल वेंट, राहुल वेंट टू एन ऑर्फनेज आई गेस, ऑर्फनेज आई गेस, गेस है ना, तो फिर भी लिख दो, क्या पता करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन होती है वो एकदम एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, गुड हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो कि टीचर्स होती है, जब चेक करती है ना पेपर को, उनको एटलीस्ट 43, अगर आपकी क्लास में 43 बच्चे हैं या फिर 40 बच्चे हैं, उनके पेपर 40 पेपर्स चेक करने होते हैं, बहुत बच्चे तो पेपर भी नहीं देते। तो एक बार आप सोच के देखिए समझने में, इसलिए अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कीजिए एंड ताकि टीचर्स को स्ट्रेस ना बढ़े। एंड लास्ट पॉइंट, स्माइल एंड ब्रीथ। आप अपने पेपर को एकदम स्ट्रेस फ्री तरीके से करिए। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको एक बार फिर से बताऊंगी एक न्यू वीडियो में। एंड फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, एकदम आराम से पेपर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास टाइम कम है, आराम से कीजिए पेपर को, वरना आपकी हैंडराइटिंग बुरी होगी। एंड आपको पता है पेपर प्रेजेंटेशन खराब होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी, या तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और या तो आप क्वेश्चन स्किप कर देंगे। तो स्माइल एंड ब्रीथ, आराम से अपना पेपर दीजिए। सो अभी आपको मुझे पता है बहुत कुछ पता चल गया है, और अगर आपको स्टडीइंग के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे अर्पीहू पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोग मुझे अब कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, बिकॉज अब आप लोगों को राइट मिल गया है एक टाइप से। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिली, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वो जो घंटी है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको एक न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।